अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। एंड हेयर इज़ द ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ लाहौर। खैर, मॉर्निंग तो नहीं है यहाँ पे, अब तकरीबन 12 बजे का टाइम। मैंने कहा आज जो है ना वो मैं आपको वैसे अपनी खिड़की से नज़ारे करवाती थी, आज मैं स्पेशली उठ के बाहर आई हूँ। अच्छा जी, ये वैसे खाला के रूम से मैं आपको बाहर की जगह दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत है। पहले अच्छा जी, किचन में मैं आ गई, अभी सफाई है, साफ़ सफाई। खाला मुझे कहते हैं यार सब्र कर जाओ ना, पहले मुझे सारी सफाई करने दो। मैंने कहा यार इट्स ओके, आप सफाइयाँ करें साथ साथ, मैं जो हूँ ना वो व्लॉग बनाती हूँ। आज यहाँ पे बनने लगी है चिकन बिरयानी दोपहर के लिए, और रात के लिए पता नहीं क्या ही बन रही है, मुझे नहीं पता। रात के लिए क्या? एक तो बिरयानी बन रही है, दूसरा क्या है? हाँ, अरबी गोश्त का सालन। अरबी गोश्त आप डिस्टिंग करते रहिए जी। खाला का रूम, और यहाँ से मैं आपको इनके रूम के बाहर की जगह दिखाती हूँ। मुझे बड़ी ना अच्छी लगी इनके रूम के बाहर की जगह, और मैंने खाला से कहा कि यहाँ पे ना कुछ आप वो रखें गमले शमले कलरफुल फ्लावर्स वाले, तो वो बहुत ही अच्छे लगे। एक छोटा सा ना एक वो बना हुआ है। अच्छा, आप वो स्प्रे से करिए, मैं कब से कह रही हूँ कि ये जानी पहचानी खुशबू कहाँ से आ रही है, फर्नीचर स्प्रे। सो गाइज, यहाँ पे ना मैं नाश्ता करने लगी हूँ, और अभी ना आज मेरी नानी माँ भी आई हैं। रानी माँ जो है वो रात को पहुँची थी, जिसके वजह से मैं जब मैंने व्लॉग एंड कर लिया वो लोग काफ़ी देर से पहुँचे थे, इसलिए फिर मैंने आप लोगों को नहीं बताया। और मैं आज नानी माँ को कन्विंस करी थी कि आपको मैंने व्लॉग में लेना है, प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना माइंड बना लें। खाला कहाँ गई? अच्छा, यहाँ पे हो रही है बिरयानी की तैयारी, और यहाँ से अब हम निकालेंगे खाला के सारे डिब्बे, मतलब मसाला जो जो मुझे चाहिए इसके अंदर। अच्छा, कुछ लोगों को ना बिरयानी में इलायची नहीं पसंद होती है, बट मुझे इतनी पसंद है बिरयानी में इलायची, बहुत पसंद है। हम बहुत लवर हैं, इलायची लवर्स हैं। खाला ने मुझे कहा कि बिरयानी तुम बनाओ, इनको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, तो आई एम मेकिंग बिरयानी। अभी खाला के साथ जा रही हूँ माहीन को स्कूल से लेने। आज माहीन से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ना तुम्हें लेने के लिए आऊँगी। नहीं नहीं आवाज़ हजी, माहीन का स्कूल अंदर से तो बनाने नहीं दिया रेंजर्स ने, शुक्र है मुझे पकड़ा नहीं है, मेरा आईडी कार्ड नहीं था। माहीन फ्राइज़ खिलाएं, जिसकी इसने मुझे लालच दी थी कि आप आना और मैं ना आपको फ्राइज़ खिलाऊँगी। हाँ हाँ, मैं दिखा रही हूँ। हाँ, अगर YouTube से मतलब ये वीडियोस देख देख के इंसान खा सकता तो कितना ही मज़ा आता है ना, घर बैठ के हर कुजीन बंदा टेस्ट कर। हाँ ना। अच्छा, मैं ना आज आपको पूरी कॉलोनी का विजिट कराने लगी हूँ। आप मुझे एक बता रही थी अलीम खान का कौन था, आज हम आपको अलीम खान के घर लेकर जाएंगे। ऐसी वैसी बात है, सोच रही हूँ भाई कितने कोई लोगों ने खूबसूरत घर बनाए हुए हैं माशाल्लाह। जो बिरयानी का कोरमा बनता है ना, तो दिल चाहता है कि बस इसे कोई चाट ले, पर ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ रायता, घर की बनी हुई दही का रायता। देखिए बहुत मजे की दही बनाती हैं यार आप खाला, हम ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। ये देखें जी, बिरयानी हमारी दम हो गई है, जो कि मैंने डिश आउट भी कर दी है। ये देखिए हमारी बिरयानी ओ क्लॉक। खाला ने अरबी गोश्त का सालन बनाया है। यहाँ पे जी हम दोपहर का खाना, माहीन उठ जाओ, बिरयानी करते करते सो ही गई है। आज हम लोग बेड पे खाना खा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया, खाना वाना हमने खा लिया, और अब हम फिर बाहर आ गए हैं वीडियो बना लूँ सिर्फ आपको दिखाने कि मौसम कितना अच्छा हो गया। हाँ, देख ही रही हूँ मैं प्लॉट, यार इतना बुरा भी नहीं है, ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा है प्लॉट। वाओ, इतनी अच्छी हवा चल पड़ी, सुबह इतनी गर्मी थी ना कसम से दिमाग खराब। टाइम क्या हुआ?
यहाँ से भी खाला की एंट्रेंस है और यहाँ से भी है, यहाँ ऊपर वाला जो पोर्शन है ना इनकी बहू का है, बहू का। क्या करिए बहू, हम ऊपर वाला आपको दिखाते हैं, नीचे तो आपको मैंने ऑलमोस्ट दिखा दिया है। क्यों, ये वो टेरेस का रास्ता था जहाँ से हम गए एंड ये है उनका चाहिए ना। एक चीज़ जो मैं सुबह आई तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, साइकिल ये बहुत अच्छी है, लेकिन आज ये बताई थी कि कुछ दिनों से हमारा ये दिमाग सो रही है। जी इनका गेस्ट रूम, वाओ गेस्ट रूम, चल चल बंद। एंड ये है जी बच्चों का प्ले एरिया और वो आगे बताओ। निम्रा के स्कूल का काम चल रहा है, ये देखिए जी अपनी मैडम व्लॉगर की राइटिंग, ऐसे रख के टूटे हुए हाथ में से लिखा मेरी। अच्छा मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊँ, हम लोग 9th में थे, हमारी एक टीचर आई हुई थी, जब उन्होंने हमें पहले दिन काम दिया तो माशाल्लाह हम सबको ना उन्होंने पहले दिन दूसरी कॉपी मंगवाई छोटी बच्चों वाली, स्वाद स्वाद की प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी 10th क्लास में, और हम लोगों को हर रोज़ स्वाद स्वाद का काम मिलता था और अभी तक मुझे लिखना नहीं आया। आगे बोलो थोड़ा सा आगे करो। ये जी किस चीज़ का काम कर रहे हो, पाकिस्तान 19 क्या हुआ था दिल्ली में, दिल्ली में होने वाले मुस्लिम दानी इधर लाओ जरा, हेलो कर दो, हेलो कर दो, पप्पा भी कर दो, किश भी कर दो, ऐसे फ्लाई किश कर दो यार, इसके हाथ से ग्लास ले लो, फ्लाई किश कर दो दानी, कलो ना प्लीज यार, एक हमारे घर के दो दो शैतान है बस। दानी प्लीज फ्लाई किस कर दो मेरे क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइबर्स को, देखो जरा नो लिफ्ट का बोर्ड लगा के चला गया दानी। ये देखिए जी लाहौर का मौसम एकदम जो बदला है, अभी हम लोग खाना खा के ऐसे मैं और माहीन बाहर आए थे, चक्कर लगाते हैं हवाएं देखें, अभी इतनी गर्मी थी। हाँ आज सुबह से बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा, तकरीबन दोपहर में हम लोग एसी लगा, ये बारिश हो रही है ना, बारिश नहीं हो रही, नहीं हो रही, हवा बहुत अच्छी है। अच्छा उस टाइम तुमने ऐसे यहाँ पे बनने लगी है मग ब्राउनी है ना जी, क्या डाला है पहले, ऑयल डाला 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऑयल है इसके अंदर एंड 1/4 कप शुगर, बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, चूहा चुप कर, नहीं हम लोग मैदा भी इतना ही डालेंगे ना फिर, अच्छा इसको मिक्स करोगे जी आप कर लीजिए साथ में, बहुत मीठा बन गया। क्या डाला है 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, कोको पाउडर 2 टेबल स्पून डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें गरम पानी भी डाला था, डालेंगे मेरा दिल चाहता बस इसको ऐसे ही खा ले बंदा। अच्छा ये मग ब्राउनी बन रही है इसके, अब आप सब मुझे रहे एंड 1/4 कप जा रहा है इसके अंदर मैदा, 1/4 कप आ गया मैदा, बेकिंग पाउडर, हाँ बेकिंग पाउडर भी डालू, ये तो कॉफी डाल रही है, कॉफी नहीं डाल रही उसमें, चॉकलेट डाल रही है, है चॉकलेट नहीं कितना डालना है, तू साथ, तू साथ, तू साथ। पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, 2 पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, इसकी रेसिपी क्या थी, 2 टेबल स्पून ऑयल था, 1/4 कप शुगर, 1/4 कप इसमें मैदा, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर एंड
बस वन फोर्थ पिंच ज्यादा ऑफ, देख लेना जैसे भी। टू पिंच ऑफ जो है ना इसमें था बेकिंग पाउडर, और उसको फोल्ड करो। दूध जो है वो अभी हम नहीं डालेंगे। दूध डाल के साथ साथ पेंट। दूध भी तकरीबन मुझे लग रहा है कि 2 टेबल स्पून जितना तो डलेगा ही डलेगा। हाय अल्लाह, इतनी डिलीशियस कोई मग ब्राउनी लग रही है ना कसम से, मुंह में ना तरबेला डैम आ गया मेरे तो। हमने जाना था असल में मैकडोनल्ड, बट हमारी बहुत देर हो गई है और 12 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम घर में ही ब्राउनी, मग ब्राउनी बना के क्रेविंग इसकी पूरी कर लें। चलो खाओ ना यार, ब्राउनी तो गरम गरम ही मज़ा देती है, जिसके अंदर तुमने चॉकलेट भी डाली है ना ऊपर। चल वाओ, सही मजा ही आ गया। मुबशर पुत्र, निमरा पुत्र, बहुत मजे की लग रही है यार। माइंड टेस्ट करो, बहुत मजे किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? तो जो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, कल का व्लॉग मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि बस सुस्ती बहुत हो रही थी, तो टाइम ही नहीं मिलता इंसान की, गप्पे ही नहीं ख़त्म होते। व्लॉग कब एडिट करे, कब अपलोड करे। ये है जी किचन के पीछे वाली जगह, और ये बहुत ही मज़े की है। पीछे तक मैं आपको जाकर दिखाऊंगी, इसके पीछे बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है। तो हम लोग अभी नाश्ता करने लगे थे, और एज़ यूजल गैस नहीं है, तो मैं बना रही थी। मैंने खाला जो है ना, खाला के गेस्ट आ रहे हैं, तो वो सारी सफाइयों में लग गई हैं, काम वाली आ गई है, तो वो भी, उसने किचन विचन भी करना है साफ। मैंने कहा कि चलें चाय जो है वो मैं बना लेती हूँ। जी जी मैंने डाली है जी। मैं और मेरी नानी अम्मा अब करने लगे हैं नाश्ता, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाश्ता है। नाश्ता करो नानी, मैं थोड़ा सा आपको व्लॉग मिलूँ, खैर है ना, सलाम दुआ करना। लोग आपको देखने के बहुत ख्वाहिशमंद है, सब लोग कहते हैं अपनी नानियाँ, सुना आपकी नानी बहुत प्यारी है। सच में मेरी नानी अम्मा बहुत प्यारी है, इतनी बिल्कुल क्यूट सी है ना, कहती है नहीं नानी अम्मा लोग पुराने ख्यालात के हैं ना, तो वो जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ मुझे कहती हैं कि सबको ना तुम दिखा दिखा के खा रही होती हो, बंदे को नज़र भी लग जाती है। मैंने कहा अच्छा भाई, नहीं लगेगी, आप दुआ करती रहें। अच्छा ये बिस्किट जो है ना, इसकी मेरी नानी अम्मा बनाती थी, उससे पहले आपसे पहले ये कौन बनाता था बिस्किट? मेरी अम्मी, मेरी दादी, सारे बनाते थे। और उस वक्त ये किस चीज में बनते थे? अब तो ये तंदूरी और ओवन में बन रहे हैं। भट्टी अच्छा अच्छा उनका जो जायका होता था ना, उफ, क्या ही बताऊं, वो बहुत मजे का जायका। अच्छा और मजे की बात बताऊं कि इसके अंदर जो बेकिंग पाउडर डलता है वो भी आप लोग घर बनाते थे ना? अच्छा अच्छा चलिए ठीक है जी, मैं अब नाश्ता एंजॉय करूं, फिर थोड़ी थोड़ी नानी अम्मा से बातें भी करेंगे। अच्छा शुक्र है, आज का जो है ना सीन पार्ट ये था कि आज घर में दावत थी, खाला की नंद आई हुई है, उनकी दावत थी, ठीक है, और गैस हमारी चली गई थी, बट अल्लाह का शुक्र है कि गैस आ गई, क्योंकि मैं और खाला बहुत परेशान हो गए थे कि हम क्या करेंगे। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव, खाला को मेरे हाथ का बहुत पसंद है, जिसकी यखनी मैंने यहाँ चढ़ा दी है, और गैस जाने के खौफ से मैंने मसाला भी साथ चढ़ा दिया। यहाँ पर बन रही है चिकन कढ़ाई, और ये क्या है, हाँ जी ये हैं लंबे कबाब जो कि रेडी हो चुके हैं, और खाला मेरे ख्याल में खीर बनाने लगी हैं। माशाल्लाह से सारे काम शाम भी घर के हो गए हैं ऑलमोस्ट, और मैं जो हूँ साथ साथ अपना थोड़ा सा अपना भी काम कर रही हूँ। दानी दानी मम्मा को मिस कर ले, इसकी मम्मा गई। हेलो अप्पा कर दो प्लीज़, अप्पा कर दो मेरे फॉलोवर्स को, ऐसे कर दो, किस कर दो प्लीज़। अच्छा यूं कर दो, कीप इट अप कर दो, नहीं करना, नाराज़ हो, नाराज़ है हमसे आप? अच्छा हेलो तो कर दो ना, फिर मैं आपको मोबाइल दूंगी, कार्टून दूंगी, हेलो कर दो। ओ मूड ऑफ है, नहीं
वो वाला तो निकालो ना मुंह से। ये फ्लाई किस होने लगा। मेरा है मेरा है, यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा। अच्छा जी, चिकन कढ़ाई इज ऑल रेडी और यहाँ पर आ रहा है यखनी पुलाव का दम। आई हाय, खाना वाना तो ऑलमोस्ट डन हो गया है और अभी जो है ना, शुक्र है कपड़े वगैरह मेरे इस्त्री हो गए थे, तो कहाँ लटके हैं अभी ये नहीं पता। मैं अब जा रही थी फ्रेश होने। खाला, उसने कपड़े कहाँ लटकाए? कपड़े कहाँ लटकाए? कौन से? मेरे। आजकल इधर कपड़े किए हैं अलमारी में। हाँ, मुझे तो नजर नहीं आए। अच्छा, बड़े वाला कौन सा खाना? अच्छा जी, ये हैं मेरे कपड़े प्रेस होके, जो आंटी खाला की काम वाली आई थी, तो फिर सारे कपड़े मेरे उसने प्रेस करके लटका दिए। आज मैं ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ। गेस्ट हमारे आ गए थे और मैं ऐसे ही घूम रही थी नाइट सूट में। देखें जी, बहुत ज़बरदस्त सा दम भी आ चुका है। खैर कोई मसला नहीं है भाई, हम जो है ना सिंपल। वो यहाँ पे सैलड वैलड भी रेडी है। अच्छा, ये जगह मैं खाला से बोलती हूँ मुझे सबसे पहले साफ़ करके दें, यहाँ पे मुझे थंबनेल बनाना होता है। बाहर कभी विजिट करके आ जाएं। गेस्ट कहाँ गए आपके? अच्छा, वो ऊपर गए हैं। यहाँ पे बर्तन वर्तन भी खाला ने सेट करके रख दिए और मैं पढ़ने लगी हूँ अब नमाज। नमाज पढ़ने के बाद फिर हम लोग खाना लगाएंगे। जो खुशबुओं से मैदे में उधम मची पड़ी है ना, वो एक अलग कहानी है। जो मर्जी आप कर लें, मुझे कोई एतराज़ है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जिसको जहाँ बुला लें। देखें जी, खाना शाना रेडी हो गया, बस आप वो ले जाएं डिश वो वाली। जी तो खान लग गया, आ जाए रोज। हम खाएंगे परसिमन्स। दानी इधर यार, इसको इधर लेके। अच्छा, खाना वाना आ गया और अब मैं थोड़ा सा बाहर आके ग्रीन टी का भी सेशन हो गया था। खाला जो है ना वहाँ पे कपड़े धो रही हैं। हेलो मिस्टर कवा। अम्मा के बैग में से ना मैं और माही बहुत चोरियां करती। दिखा ना कौन कौन सी हैं। अम्मा जी बाहर बैठी हैं। मैं तो जब तक जो ना इस बैग की जरूर तलाश लेती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ खाने का जरूर बरामद होता है। हाँ, ये वाली ले लो, ये वाली दोस्त, ये सॉफ्ट वाली है, बाकी ये मैं खाऊंगी। बाय बाय कर लो। चल ये वाली मैं ले रही हूँ। चल वापिस रख अंदर, जल्दी रखो ना। अम्मा जी बताएंगी हम दोनों को, पाएंगी चोरनिया। अच्छा, हम लोग अभी आए हैं कैश एंड कैरी, और वो हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम मैं और अरूज छोड़ने आए थे इनकी पप्पू को यहाँ अस्करी टेन में। तो अब हम लोगों ने कहा थोड़ा सा कुछ स्टॉक ले लें। यार ये वो तो नहीं है जिस मार्केट में हम लोग पहले जाते थे, ये कौन सी है? ये F10 कौन सा सेक्टर है? ये है ए, 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 ए सेक्टर है। तुमने मजे के खराब, मुझे तो खुद नहीं, मुझे खुद नहीं पसंद ये अजीबो गरीब से नूडल्स एंड ऑल। कौन से वाले तुम कह रही थी? बहुत ज्यादा स्पाइसी है यार, ये तो बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, मैंने खाए हुए हैं। और ये बहुत स्पाइसी, और ये भाई ये वाले हमने खाए और मुझे किसी का नहीं, लेकिन जो सुपर स्पाइसी लिखी हुई है तो ये बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ऐसे लगता है कच्ची मिर्ची ऊपर डाली हुई है। चलो ये तो हाँ है ना, चलो देखें जी। इस वक्त ना हम लोग आइसक्रीम एलिफेंट्रियाँ मार रहे हैं और अरूज गई है एटीएम, उसे कुछ काम था। हम लोगों ने अभी कैश एंड कैरी से कुछ दो चार चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं कहीं।
जब पहले खाला लोग अस्करी में रहते थे ना, अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखे हो तो रोज़ रात को मैं रोज तो निकल जाते थे सच, मतलब 11-12 बजे हम लोग निकल जाते थे और आराम से पूरे जो है ना उस अस्करी में हम लोग घूम फिर के खा पी के आराम से वापस आते होते थे, बड़ा ही इन्जॉयमेंट होती थी। लेकिन अब बहुत दूर चले गए और वहाँ से फिर इतना निकलना नहीं होता रात में। और पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो मुझे खाला ने थोड़ी सी ड्राइविंग भी सिखाई थी, इस दफ़ा मैंने कह रही थी कि मैं एक दफ़ा ट्राई और करूँगी। अच्छा ये जो है ना, अब इन सब पूरे खानदान को हमने पिक किया, कितने हम लोग अच्छे, हम लोग अकेले में जा सकते थे बट हमने कहा कि नहीं आपको पिक करना बहुत जरूरी है। हमने वैसे बीच में प्लान तो ये बनाया था कैशन कैरी में कि हम खुद ही रगड़ा खाएंगे, और अब हम लोग जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स आइसक्रीम खाएंगे। यार शेक तो हम लोग घर में भी बहुत अच्छे बना लेते हैं। अच्छा इसका कौन सा अच्छा है? नहीं मैंने पिए हुए इसका सारे, इनकी आइसक्रीम अच्छी। मैं तुम्हें पिलाऊंगी किट कैट शेक। आइसक्रीम दानी मुझे थोड़ा सा शेक नहीं दोगे? नहीं दोगे? नहीं दे रहा भाई। अच्छा जी यहाँ पे टाइम हुआ है अब व्लॉग को एंड करने का, घर वापस आए इतने थके पड़े हैं ना, और अब जो है वो इंशाल्लाह कल का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे समझ नहीं आ रही माही ने मैट्रेस नीचे क्यों फेंका, हवा खिड़की से हवा को क्या ताल्लुक है, विंडो तो वैसे ही बंद। हाँ विंडोज खुली हुई है क्या? ओके ओके चलो सो जाओ दोबारा। चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।